हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। लुक एट दिस फ्रेंड्स, लग रहा है ना एकदम बेकरी स्टाइल परफेक्ट चॉकलेट ट्रफल केक। जी हाँ गाइस, आज मैं आपसे इसी सुपर टेस्टी एक्सट्रीमली चॉकलेटी बहुत ही ज़्यादा रिच सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बेकरी स्टाइल चॉकलेट ट्रफल केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एंड परफेक्ट 1 kg का ये बेहद क्लासी केक आज हमने बनाया है बिना व्हिपिंग क्रीम के, बिना अंडा, बिना ओवन, बिना दही, बिना मिल्क पाउडर या बिना किसी फैंसी इंग्रेडिएंट के, बिल्कुल ईजी तरीके से और वो भी कम से कम सामान से। और साथ ही गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपसे ना एक बड़े ही काम की चीज शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका होने वाला है बहुत ही ज्यादा फायदा और साथ ही ढेर सारे प्राइजेस भी जीतने का मौका है आपके पास। कैसे, ये आगे मैं वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो चॉकलेट ट्रफल केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैंने ले लिया है 2 बड़ा चम्मच गर्मा गर्म पानी। इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर, दोनों को मिक्स करेंगे और ये बन गया हमारा कॉफी कंकॉक्शन। गाइस, इसको केक में ऐड करने से केक का टेस्ट बहुत ही ज्यादा रिच हो जाता है, तो अभी के लिए हम इसको रखेंगे साइड में। एक मिक्सिंग बोल में अभी मैं ले रही हूँ 1/2 कप और 2 बड़ा चम्मच दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच विनेगर या नींबू का रस, दोनों चीजों को मिक्स करेंगे और इसको अभी हम रख देंगे 10 मिनट के लिए साइड में। तो गाइस, सबसे पहले तो केक बेक करने के लिए मैंने एक पतीला गैस पे रख लिया है, इसके अंदर मैंने वायर स्टैंड डाला है और इसका ढक्कन बंद करके धीमी आंच पे हम इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। साथ ही एक 6 इंच का केक टिन भी मैंने बटर पेपर डाल के तैयार करके रख लिया है। 10 मिनट के बाद ये देखिए दूध थोड़ा सा दही के जैसा हो गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा जम गया है कर्डल डा, यानी कि बटर मिल्क बनके बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप पिसी हुई शक्कर, 1/4 कप ऑयल, ऑयल में कोई भी शार्प स्मेल या टेस्ट नहीं होना चाहिए, 1/2 चम्मच वनीला एसेंस और साथ ही जो कॉफी कंकॉक्शन हमने बना के रखा था ना वो भी हम डाल देंगे इसी मिक्सचर में। सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये वेल कम्बाइंड नहीं हो जाती। और ये देखिए सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो इसमें अभी हम रखेंगे एक छन्नी, इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप मैदा, 3 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चुटकी नमक। सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे हम वेट इंग्रेडिएंट्स वाले बोल में और अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स दोनों को हम अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते हुए एक स्मूथ और लंप फ्री बैटर बना के इसका तैयार कर लेंगे। और ये देखिए स्मूथ बैटर रेडी है। तो अभी एक स्पैटुला की हेल्प से जो बोल में आसपास चिपका हुआ है ना बैटर, उसको भी हम सेंटर में ला के हल्का सा मिक्स करेंगे और इस बैटर को हम ट्रांसफर कर लेंगे केक टिन में। बैटर को हल्का सा टैप करेंगे ताकि ये लेवल अप हो जाए और पतीला भी अभी तक अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तो इसमें हम केक बैटर वाला टिन रख देंगे, वापस ढक्कन बंद करेंगे और अभी हमें केक को बेक होने देना है धीमी आंच पे करीब 45 से 50 मिनट तक। कन्वेक्शन या अवन में बेक करने के लिए 170 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को आप केक को 40-45 मिनट्स के लिए बेक कर लें। तो गाइस, जब तक केक बेक हो रहा है चलिए ट्रफल फ्रॉस्टिंग की भी तैयारी कर लेते हैं। तो गाइस, हम जो मदर्स होती है ना, हमें एक कंसर्न हमेशा होती है कि जब हम अपने काम में बिजी होते हैं, कुकिंग कर रहे होते हैं या कोई भी हाउस होल्ड चोर्स, तो उस टाइम पे हमारे बच्चे कुछ ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज रहें जहाँ पे वो कुछ सीख सकें, जो उनके लिए कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट लाए जिसके थ्रू उनका ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल हो। तो गाइस, मुझे तो इस केस में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आयुष्मान ने ज्वाइन किया हुआ है येलो क्लास। एंड इनफैक्ट गाइस, अभी मैं देखिए बेकिंग करने में बिजी हूँ आपके साथ में और वो अपना येलो क्लास पे अपने चॉइस की क्लासेस अटेंड कर रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड पाइलस कुकिंग, दैट्स व्हाट ही लाइक्स एंड दैट्स व्हाट ही हैज जॉइंड। एंड इनफैक्ट बहुत खुश भी नजर आ रहा है ये क्लासेस अटेंड करते हुए। तो एक्चुअली आज के जो काम की इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाली थी वो इसी से रिलेटेड है। एक्चुअली आज मैं आपको बताने जा रही हूँ येलो क्लास के बारे में। तो गाइस, येलो क्लास इंडिया का सबसे बड़ा लाइव एंड इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे 3 से 16 साल के बच्चे अपनी चॉइस की बहुत सारी हॉबीज जैसे कि कुकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, योगा एंड मेनी मोर एक्टिविटीज, इनफैक्ट 50 से भी ज्यादा एक्टिविटीज सीख सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। जी हाँ फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी एक्टिविटीज आप सीख सकते हैं इस ऐप पे। एंड नॉट ओनली दिस गाइज, इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, ये सारी चीजें भी अवेलेबल है येलो क्लास पे। और हर महीने 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे अपने चॉइस की हॉबीज परस्यू करते हैं येलो क्लास पे और ये सब कुछ होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें कोई पैसे नहीं देने हैं आपको। और गाइस, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इस फैसिलिटी को आप अपने बच्चों के लिए कैसे अवेल करा सकते हैं ये भी आगे मैं वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, सो कीप वॉचिंग। तो चलिए केक भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस, करीब 50 मिनट हो चुके हैं। लुक एट दिस गाइस, कितना बढ़िया बेक हुआ है केक, कितना अच्छा फूला है। तो अभी एक टूथपिक को सेंटर में प्रिक करके हम केक चेक करेंगे और ये देखिए बाहर आई एकदम क्लीन टूथपिक, मतलब केक परफेक्टली बेक हो चुका है। तो हम केक को सबसे पहले तो पतीले से बाहर निकाल के बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तो अभी हम बनाएंगे शुगर सिरप। इसके लिए 1/3 कप पानी में मैं ऐड करी हूँ 2 बड़ा चम्मच शक्कर और दोनों को मिक्स कर देंगे और इसी तरह से रख के छोड़ देंगे, ये अपने आप ही घुल जाएगी थोड़ी देर में।
तो गाइस 350 ग्राम चॉकलेट चॉप होके रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मैंने कंपाउंड चॉकलेट ली है। आप चाहें तो अपने चॉइस की कोई भी और चॉकलेट ले सकते हैं, जस्ट दैट कंपाउंड चॉकलेट सबसे ज़्यादा रीजनेबल प्राइस की पड़ती है। तो ये सारी की सारी चॉकलेट हम डालेंगे एक पैन में और गैस मैंने ऑन कर ली है, धीमी रखी हुई गैस, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 300 ml अमूल फ्रेश क्रीम। गाइज ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, ये फ्रेश क्रीम है जो आसानी से कहीं भी मिल जाती है ग्रॉसरी स्टोर में। तो अभी क्रीम को और चॉकलेट को मिक्स करेंगे और दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हमें बिल्कुल अच्छे से मेल्ट कर लेना है चॉकलेट को, जब तक कि एकदम स्मूथ एंड शाइनी नहीं हो जाती है मेल्ट होकर के। एंड जब तक ये चॉकलेट मेल्ट हो रही है ना, मैं आपको येलो क्लास का एक बहुत ही अपीलिंग फीचर बताती चलूं। तो गाइज लर्निंग के साथ साथ बच्चों के पास मौका होता है ढेर सारे प्राइजेस जीतने का, जैसे कि प्ले स्टेशन, बाइसिकल, एप्पल आईपैड, अमेजोन वाउचर्स एंड मेनी मोर गिफ्ट्स। एंड मोर ओवर बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं पेरेंट्स डैशबोर्ड फीचर्स यूज करके। इनफैक्ट अप्रैल मंथ में भी येलो क्लास एक कॉन्टेस्ट रन कर रहा है जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चे और ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हैं, जैसे कि वन प्लस स्मार्ट HD TV, येलो क्लास एक्सक्लूसिव गुडीज, बोट स्मार्ट वॉच एंड स्कॉलरशिप अप टू ₹3 lakhs कैश। और ये सारे प्राइजेस आपके बच्चे कैसे जीत सकते हैं वो भी मैं आपसे आगे शेयर करने वाली हूँ। तो अभी ट्रफल फ्रॉस्टिंग चेक कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, बातों बातों में ही चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होकर के स्मूथ हो गई है, एकदम शाइनी और लम्प फ्री, इजंट इट। तो गाइस ये ट्रफल फ्रॉस्टिंग बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अभी हम गैस ऑफ कर देंगे और चॉकलेट को सबसे पहले तो रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और उसके बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी फ्रॉस्टिंग वाली हो जाए। तो गाइस हमारा केक भी अभी तक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसके साइज को हम नाइफ की हेल्प से लूज कर देंगे और इसको एक केक बोर्ड पे या प्लेट पे हम निकाल लेंगे। एंड लुक एट दिस गाइस, कितना बढ़िया केक बना है। तो अभी अपने केक की फ्रॉस्टिंग के लिए हम केक को डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। तो एक चाकू की हेल्प से हम निशान लगाएंगे केक पे और एक धागे की हेल्प से हम इसको 5 में डिवाइड कर लेंगे। और गाइस केक का टॉप मैं अलग कर रही हूँ, बिल्कुल पतला सा हिस्सा। तो गाइस फ्रिज से हमने अपनी ट्रफल फ्रॉस्टिंग भी निकाल ली है एंड लुक एट दिस, कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी, एकदम पाइपिंग वाली कंसिस्टेंसी, यानी कि फ्रॉस्टिंग वाली। तो इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया है एक पाइपिंग बैग में और अभी हमने लिया है एक एक बोर्ड, उस पर हम लगाएंगे थोड़ी सी ट्रफल फ्रॉस्टिंग। इस पर हम रखेंगे केक की पहली लेयर शुगर सिरप, जिसमें कि अभी तक अच्छे से घुल चुकी है शक्कर, उससे हम मॉइस्ट करेंगे केक की इस लेयर को, अच्छे से मॉइस्ट कीजिएगा गाइस। और अब हम ले लेंगे पाइपिंग बैग जिसमें हमारी ट्रफल फ्रॉस्टिंग भरी हुई है और इसी की हेल्प से हम बिल्कुल अच्छे से फैला लेंगे ट्रफल फ्रॉस्टिंग को केक की पहली लेयर पे, स्पैटुला की हेल्प से हल्का सा स्मूथ करेंगे। अब इस पे रखेंगे हम केक की दूसरी लेयर, इसको भी हम शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट कर देंगे, इस पे भी हम फैलाएंगे ट्रफल फ्रॉस्टिंग, इसको भी अच्छे से स्मूथ कर देंगे, इनफैक्ट जितना हो सके उतना स्मूथ कर दीजिएगा। और फाइनली हम टॉप पे रखेंगे केक की थर्ड और फाइनल लेयर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बॉटम लेयर को टॉप पे रखा है, क्योंकि हमें जो टॉप है ना केक का वो एकदम फ्लैट चाहिए, तो इससे ये एकदम फ्लैट रहेगा। इसको भी हम शुगर सिरप से मॉइस्ट कर देंगे और टॉप पे ना हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ट्रफल फ्रॉस्टिंग अप्लाई करेंगे, इतनी कि हम इसे बस क्रम कोट कर लें, राइट। और सबसे पहले केक के साइज को हम क्रम कोट करेंगे, उसके बाद हम लेंगे अगेन पाइपिंग बैग ट्रफल फ्रॉस्टिंग वाला और सबसे पहले हम ट्रफल फ्रॉस्टिंग को अप्लाई करेंगे केक के साइज पे, उसके बाद हम इसे हल्का हल्का सा पहले स्मूथ करेंगे। एंड गाइस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे ट्रफल फ्रॉस्टिंग स्मूथ ना हो रही हो तो इसके लिए एक गर्म पानी का ग्लास साथ में रखें और जब भी आप स्मूथ करें ना स्पैटुला से, तो सबसे पहले स्पैटुला को डिप कर लें गर्म पानी में, ताकि हल्का सा गर्म हो जाए, और उसके बाद चॉकलेट के ऊपर इसको अप्लाई करें, यानी कि गर्म स्पैटुला से करें, चॉकलेट की स्मूथनिंग अच्छे से हो जाएगी ये। और फाइनली हम ले लेंगे एक केक कोन और केक के साइड्स पे हम इसकी हेल्प से बढ़िया से डिज़ाइन भी बना लेंगे। आते हैं केक के टॉप पे, तो साइड्स पे जो थोड़ी थोड़ी सी ट्रफल फ्रॉस्टिंग निकली हुई सी लग रही है ना, इसको हम बस थोड़ा थोड़ा सेटल कर लेंगे टॉप पे, गाइस स्मूथनिंग की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट दैट हमें इसको सेटल करना है, राइट। तो केक को भी 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट हो जाने के लिए। और अभी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही रिवॉर्डिंग फीचर येलो क्लास के बारे में, कि येलो क्लास पे प्राइजेस जीतना कितना आसान है। जी हाँ फ्रेंड्स, बस येलो क्लास का ऐप आपको डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, बस उस लिंक को आप क्लिक कीजिए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बस डायरेक्टली क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दीजिए। और गाइज जो भी बच्चे सारे के सारे क्राइटेरियाज पूरे करते हैं वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए और ये प्राइजेस जीतने के लिए। तो गाइज बहुत ही बढ़िया मौका है, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, येलो क्लास ऐप की लिंक जरूर डाउनलोड कीजिएगा और अपने बच्चों को हॉबी उनकी परस्यू करने का मौका भी जरूर दीजिएगा। तो अभी केक हमने फ्रिज से निकाल लिया है ना, केक की फाइनल डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ नोजल नंबर 120। अगर आपके पास में 126 नंबर वाली नोजल है तो वो भी ले सकते हैं, दोनों से ही काम हो जाएगा।
और इसको मैंने एक पाइपिंग बैग में डाला और उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर ली है ट्रफल फ्रॉस्टिंग। और गाइज अभी हम वीडियो में दिखाए गए तरीके से फ्लावर बनाना शुरू करेंगे केक के टॉप पे। तो जो नोजल का थोड़ा सा धंसा हुआ वाला साइड है ना गाइज, उसको हम रखेंगे लेफ्ट साइड में और जो स्मूथ साइड है उसको हम रखेंगे राइट साइड में, राइट। और वीडियो में दिखाए गए तरीके से हम पेटल्स जैसी फ्लावर की बनाना शुरू करेंगे। तो बस गाइज जैसे उल्टा यू बनता है ना, वैसे हमें बनाते चले जाना है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और गाइज अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और क्लासी बर्गर किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचती रहें। और ये देखिए फर्स्ट पेटल की लेयर केक के ऊपर बन चुकी है। अब हम इसी के आगे बनाएंगे दूसरी लेयर पेटल्स की, और वो भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से गाइज। सेकेंड पेटल की लेयर कंप्लीट होने के बाद अब हम इसमें बनाएंगे थर्ड लेयर पेटल्स की। तो बेसिकली गाइज द आइडिया इज कि आपको कंप्लीट एक फ्लावर क्रिएट करना है यहाँ पे केक के टॉप पे। और गाइज मैं आपको ये भी रिमाइंड कराती चलूँ कि येलो क्लास ऐप की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसे क्लिक करके उसे चेकआउट ज़रूर करें और रजिस्टर ज़रूर करें। बड़े ही काम की चीज़ है और बड़े ही यूज़ में आने वाली है आपके बच्चों के। एंड ये देखिए गाइज हमारे चॉकलेट फ्लावर के सारे पेटल्स बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो सेंटर में हम इसके थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने ले ली है ये गोल्डन कलर की डिस्क, छोटी छोटी सी डिस्क हैं, जैसे छोटे छोटे गोल्डन शुगर बॉल्स आते हैं ना उसी तरह के डिस्क टाइप के। तो इसको मैं फ्लावर के सेंटर में फिल कर ले रही हूँ, इससे बड़ा ही नेचुरल सा लुक आएगा फ्लावर का। एंड लुक एट दिस गाइस, कितना सुंदर बना है ये फ्लावर। फाइनली जो बची हुई थोड़ी सी ट्रफल फ्रॉस्टिंग है उसको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ एक ओपन स्टार शेप नोजल वाली कोन में, और वीडियो में दिखाए गए तरीके से एकदम सिंपल सा बॉर्डर हम केक के बॉटम पे क्रिएट कर देंगे। एंड फ्रेंड्स हमारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक्सट्रीमली टेस्टी एंड डिलिशियस चॉकलेट ट्रफल केक बन के बिल्कुल तैयार है। लग रहा है ना एकदम बेकरी वाला ट्रफल केक। एंड गाइज इसे खाते ही होने वाला है आपके मुंह में चॉकलेट का धमाकेदार ब्लास्ट। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मॉइस्ट है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।